तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और यूजर कंट्रोलर के अंदर। अब हमको क्या करना है, लॉगिन पर काम करना है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस लॉगिन से पहले जो कमेंट कर देंगे, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ लॉगिन हैंडलर या फिर कॉल बैक कर देते हैं, और इस फंक्शन को भी एसिंक कर लेंगे। एसिंक फंक्शन कॉल बैक है तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे, और इसको भी हम जो है ट्राई कैच ब्लॉक में ऐड कर देंगे। ट्राई एंड कैच ब्लॉक, जो भी एरर आ रहा है उसको हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। इसी तरीके से एरर रिस्पॉन्स भी हम सेंड कर देंगे। तो रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 500 डॉट सेंड, और इसके अंदर एक मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज, और बैकटिक का भी यूज़ कर सकते हैं हम। एरर इन लॉग इन CTRL कर देते हैं इसको, और जो भी एरर मैसेज है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरर डॉट मैसेज, तो एरर के अंदर एक मैसेज का ऑब्जेक्ट भी हमको मिलता है, तो उसको भी मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ। अब इस ट्राई के अंदर हम जो है हमारा लॉजिक लिखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, यूजर को गेट कर लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा यूजर है उसको हमको चेक भी करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट यूजर, हम यहाँ पर अवेट करेंगे। अवेट किस चीज़ का, यूजर मॉडल है अपने पास, उसमें से हमको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है फाइंड वन, और जो ईमेल है उसके बेस पे हम फाइंड करेंगे ईमेल, और ये कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि ये जो ईमेल इंटर हुआ है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे इफ नॉट ईमेल, या फिर नॉट यूजर कर लेते हैं, इफ नॉट यूजर, अगर वो यूजर नहीं है तब क्या करो, यहाँ पर तुरंत ही यहाँ पर रिटर्न करा दो और एक रिस्पॉन्स जो है सेंड कर देंगे। रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट ओके है। तो रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, और यहाँ पे एक मैसेज हम ऐड कर देंगे, मैसेज यूजर नॉट फाउंड, और उसके बाद में सक्सेस का एक मैसेज भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, सक्सेस को कर देंगे यहाँ पर फॉल्स। उसके बाद में हमको जो है पासवर्ड चेक करना है, क्योंकि हमारा पासवर्ड जो है एनक्रिप्टेड है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये जो पासवर्ड है हमारा इनक्रिप्ट है, तो इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा पहले, तो उसको हमको जो है कंपेयर करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेंगे हम पासवर्ड मैच के लिए। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रखते हैं इस मैच, और यह है पासवर्ड के लिए। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट करेंगे, अवेट डिक्रिप्ट डॉट कंपेयर का एक फंक्शन हमको मिलता है, और इस कंपेयर के अंदर हम क्या करेंगे, जो पासवर्ड हमको मिल रहा है उसको चेक करेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, और उसको कंपेयर करेंगे जो यूजर हमको मिल रहा है, यानी कि अगर यहाँ से हमको यूजर मिल गया, देखिए यहाँ पे ईमेल चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ से अगर ईमेल सही रहा तो आगे फर्दर प्रोसेस होगा और इस यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर हमको ईमेल मिल जाएगा। तो यूजर डॉट पासवर्ड, इससे हमको कंपेयर करना है। अब इसमें भी जो है फॉल्स सिनेरियो हो सकता है, यानी कि पासवर्ड मैच ना हो, तो उसको भी हमको चेक करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ नॉट इज मैच, अगर पासवर्ड यहाँ पर सही से नहीं मिलता है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन रिटर्न करा देंगे यहीं पर, यानी इस फंक्शन को यहीं पर क्लोज कर देंगे। रिटर्न रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, यानी ओके रिक्वेस्ट है, बस आपका पासवर्ड यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पे आप सेंड कर देंगे, सेंड के अंदर आपको एक मैसेज ऐड कर देना है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि मोर सिक्योर हमको यहाँ पर बनाना है, तो हम डायरेक्टली जो है हिंट नहीं दे सकते कि भाई आपका सिर्फ पासवर्ड गलत है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। उसके बाद में सक्सेस को आपको यहाँ पर फॉल्स कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ही सिनेरियोस हमारे चेक हो चुके हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर टोकन भी जनरेट करना है। तो टोकन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो जेसन वेब टोकन को ऊपर इंपोर्ट कर देंगे, जो कि स्टार्ट में ही हमने जो है डाउनलोड कर लिया था कॉन्स्ट। इसको रख देते हैं JWT, इसका नाम जेसन वेब टोकन, रिक्वायर ऑफ जेसन वेब टोकन, और इसके लिए हमको एक सीक्रेट की भी बनाना पड़ता है। तो आप क्या करें, .env की फाइल के अंदर एक सीक्रेट भी बना ले जेसन वेब टोकन का, तो इसका नाम हम रखते हैं JWT_secret, और इसके अंदर आप कोई रैंडम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं XYZ कुछ भी ऐड कर देता हूँ, XYZ 123, कोई भी आप यहाँ पर स्ट्रिंग जो है ऐड कर सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, और जब भी .env की फाइल में चेंजेस करेंगे तो सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं इसको रिस्टार्ट भी करते चलता हूँ, तो Ctrl+C, और इसको हम रिस्टार्ट भी कर देंगे। CLS npm run dev। अब यूजर कंट्रोलर के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर टोकन क्रिएट करना है, यानी सक्सेसफुल अगर हमको ईमेल सही से मिलता है, पासवर्ड सही से मिलता है, तो हम एक टोकन भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, ताकि हमारी एप्लीकेशन जो है और ज़्यादा सिक्योर रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट,
और इसका नाम मैं रखता हूँ टोकन। और टोकन के लिए हमने GWT को जो है इम्पोर्ट कर रखा है ऊपर, तो यहाँ पे हम उसका मेथड कॉल करेंगे GWT डॉट साइन का मेथड हमको मिलता है। और इस साइन के अंदर आप जो है किस बेस पे जो है साइन करना चाहते हैं वो बता सकते हैं, इसका एक्सपायर टाइम बता सकते हैं, और फिर सीक्रेट की भी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आईडी के बेस पे जो है इसको सिक्योर कराएंगे। सो आईडी ये कहाँ से आएंगी, यूजर डॉट आईडी से। जो हम ये यूजर गेट कर रहे हैं ना, इसके अंदर हमारे पास आईडी की फील्ड होती है, तो उसके बेस पे करेंगे। और ये होती है अंडरस्कोर आईडी की फील्ड। इसके बाद में आपको सीक्रेट की को ऐड करना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट jwt अंडरस्कोर सीक्रेट। मेक श्योर जो डॉट env में आपने वेरिएबल बनाया है ना वो और यहाँ पर जो हम ऐड कर रहे हैं वो दोनों ही सेम होने चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको अगेन एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर आपको कितने टाइम में ये टोकन एक्सपायर होगा उसको बताना पड़ता है। तो एक्सपायर्स इन यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 day, एक दिन में हमारा टोकन एक्सपायर हो जाएगा। यूजर को जो है मस्ट है वो फिर से लॉग इन करे। अब टोकन भी हमारा क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर हम सक्सेस रिस्पॉन्स भी भेज सकते हैं। तो रेस डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड, और यहाँ पे एक मैसेज ऐड कर देंगे, मैसेज लॉग इन सक्सेस। और सक्सेस को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रू कर देंगे। और साथ ही में हम क्या करेंगे, टोकन को भी पास करा देंगे, और इस टोकन को भी हमको जो है बाद में चेक करना है। अब की वैल्यू पेयर अगर सेम हो तो आप सिंगल टाइम लिख सकते हैं, टोकन टोकन ऐसा पास कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल की वैल्यू पेयर अगर सेम है तो एक बार आप लिख सकते हैं। तो साथ ही में हम टोकन को भी यहाँ पर पास करा रहे हैं, सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा लॉगिन के लिए भी जो है कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे लॉगिन के पेज में जो है ऐड कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन पेज को भी ओपन कर लेते हैं, login.js। और यहाँ पर हमारे पास है फॉर्म हैंडलर, इसमें सिर्फ हमारे पास कंसोल है ना, तो कंसोल को रिमूव कर लेंगे और कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर देंगे। सबसे पहले तो मैसेज हमको ऐड करना है, तो यहाँ पे आप मैसेज कंपोनेंट को ऐड कर दें। उसके बाद में एक्सियोस भी चाहिए, नेविगेट भी चाहिए, तो यूज़ नेविगेट हुक को हम ऐड कर देंगे, यूज़ नेविगेट। एक्सियोस को भी इम्पोर्ट कर लें, इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और आई थिंक इतने इम्पोर्ट काफ़ी है। और यहाँ पर नेविगेट के लिए एक वेरिएबल const navigate equal to use navigate, और इस फंक्शन को भी async बनाना है आपको। सो async फंक्शन, यहाँ पर भी ट्राई कैच ब्लॉक का हम यूज करेंगे। एरर सिनेरियो में आपको क्या करना है, सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं आप एरर को, जो भी एरर है। और यहाँ पर मैसेज का भी इस्तेमाल कर लेंगे, मैसेज डॉट एरर, और यहाँ पे लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। और अवेट यहाँ पर हमको करना है सक्सेस रिस्पॉन्स के लिए, तो यहाँ पे इसके लिए भी आप एक वेरिएबल बना सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, अवेट कर रहे हैं। अवेट किस चीज़ का, यहाँ पर एक्सियोस की मदद से हम नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक्सियो डॉट पोस्ट, और यहाँ पर URL पैटर्न, तो API/API/v1/user/login। उसके बाद में यहाँ पर वैल्यूज को आपको पास करा देना है वैल्यूज, और इसके बाद में चेक करना है कि ये सक्सेसफुली जो है लॉगिन होता है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करेंगे, रेस डॉट डेटा डॉट मैसेज, या फिर हम क्या करेंगे सक्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सक्सेस। अगर ये सक्सेस होता है तब क्या करो, यहाँ पे हम मैसेज कंपोनेंट का यूज करेंगे, मैसेज डॉट सक्सेस, और एक मैसेज शो करा देंगे जैसे कि लॉग इन सक्सेस, और इसको जो है नेविगेट करा देंगे, नेविगेट टू होम पेज। सो स्लैश एल सिनेरियो भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, एरर मैसेज हम ऐड कर देंगे, मैसेज डॉट एरर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए रिस्पॉन्स आ रहा है अपने पास, मैसेज हम ऐड कर देंगे मैसेज। और हाँ यहाँ पे हमको क्या करना है, टोकन भी जनरेट करना है, तो टोकन हम कहाँ पर करेंगे, लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेविगेट से पहले ही कर लेते हैं, जैसे हम सक्सेस रिस्पॉन्स में रहेंगे ना, अगर सक्सेस होता है तो क्या करेंगे, टॉप पे पहले लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कर लेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे हम टोकन के नाम से एक वेरिएबल बना देंगे टोकन। और ये टोकन कहाँ से आएगा, ये रिस्पॉन्स से आएगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन, जो अभी हमने यहाँ पर वेरिएबल बना है, देखिए ये जो पास किया है ना टोकन, तो ये हम लोकल स्टोरेज में जो है सेव करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और आई थिंक यहाँ पर सब कुछ सेट हो चुका है। चलिए इसको एक बार हम टेस्ट कर लेंगे, चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। यहाँ से हम चलते हैं लॉगिन के ऊपर, लॉगिन, और यहाँ से कोई भी रैंडम हम ऐड करके देख लेते हैं, पहले रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर ऐड करके चेक कर लेंगे, साथ ही में इंस्पेक्ट कर लेते हैं कंसोल ऑन, और यहाँ पर लॉगिन, तो देखिए यूजर नॉट फाउंड, तो एरर हैंडलिंग भी बराबर से हो रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्चुअल ईमेल डाल के देख लेंगे, admin@admin.com,
और पासवर्ड इनकरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो पासवर्ड का मैसेज हमको, यानी पासवर्ड का एरर मैसेज हमको शो होना चाहिए। लॉगिन, तो देखिए इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ये भी सही से काम कर रहा है। अब हम जो है रियल यहाँ पर ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। लॉगिन, तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुली, और हम होम पेज पे जो है रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो सक्सेसफुली हमारी लॉगिन और रजिस्टर की फंक्शनैलिटी काम कर रही है और प्रॉपर एरर हैंडलिंग भी हो रही है। और यहाँ पे हमको लोकल स्टोरेज भी चेक करना है, तो यहाँ से हम लोकल स्टोरेज भी देख लेते हैं। अभी हम जो है फायरफॉक्स में हैं, तो स्टोरेज, स्टोरेज के अंदर देखिए ये रहा लोकल स्टोरेज, कहाँ गया ये लोकल स्टोरेज, और इसके अंदर हमारे पास लोकल होस्ट 3000। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए टोकन सही से हमारे पास आ रहा है। डेटा पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको टोकन देखने मिल जाएगा। अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो और बेटर है, बहुत अच्छे से आपको शो करेगा। तो अभी मैं फायरफॉक्स में हूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टोरेज के अंदर बताता है। अगर क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एप्लीकेशन के अंदर बताता है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अपने हिसाब से भी आप इसको एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लें। तो हमारा लॉगिन और रजिस्टर की फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको होम पेज पे जो है लेआउट क्रिएट करना है।